दुई दिन तले जो श्वेतपत्र पार्लियामेंटर संसद उभय गृह वित्तमंत्री उपस्थापित करथिले ता पूर्वर बजेट जेतेबेले से बजेट विषय कहते बजेट मध्य कहते जे उपा सरकार दस वर्ष समय एवं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेन्द्र मोदी तत्वावधान रे भारत अर्थनीतिर अवस्था ए दुई जन गोटे तुलनात्मक चित्र से एक श्वेतपत्र प्रदान करेंगे बोली प्रतिश्रुति देते से प्रतिश्रुति को रक्षा कर गत 8 तारीख दिन से एक श्वेतपत्र प्रकाश मध्य करिसेंती। ए श्वेतपत्र जो केतटी 59 पृष्ठार जो श्वेतपत्र प्रकाश पाई से किसी मुख्य बिंदु आपण मानक माध्यम रे ओडिशा जनसाधारण निकट में उपस्थापित करने चाहूं एवं भारतवर्षर अर्थनीति उपा सरकार 10 वर्ष समय एक पॉलिसी पारालिसिस बा नीतिगत पक्षाघात बाहरी किभली एक आकांक्षी अर्थनीति हमारे गति करुची से संक्रांत में सूचना देबु। आपणकर मन थी उपा सरकार शेष समय 2013 मसीहा बेलू भारत अर्थनीति को एक फ्राजाइल 5 भितर गणति करा अर्थात विश्वर 5टी भंगुर अर्थनीति भितर दुर्बल अर्थनीति भितर फ्राजाइल 5 भितर भारत को परिगणित करा किंतु आज भारत अर्थनीति विश्वर सर्वोत्तम 5 बा टॉप 5 रे पहुंची अर्थात फ्राजाइल 5 रु टॉप 5 को ए जो यात्रा भारत वर्षर गणतंत्र ए जो विजय से संक्रांत में आपण मान किसी सूचना देवाई आम एटे उपस्थित हो चारि पांचटी बिंदु भितर प्रथम बिंदु मुझे चाहिए जे जेतेबेले विश्व अर्थनीति रे कौनसी प्रकार विपद आसे बा विश्व अर्थनीति जेतेबेले प्रतिकूल भाव में प्रभावित हुए सेतेबेले ता विभिन्न देशर अर्थनीति को मध्य समान भाव प्रभावित करिथाय तेणु जहाँ को आम एक्सटर्नल शक बोली कहू बा बाह्य झटका बोली कहू से झटकारु भारत अर्थनीति को केते दूर सुरक्षित करा जाई पारिछि ये होची गोटे बड़ प्रश्न कारण दियोटी जाक दशंधि अर्थात उपा सरकार 2004-2014 एवं मोदी 2014-2024 ए समय भितर विश्व अर्थनीति रे किसी झटका बा किसी शक आसीला ताहा भारत अर्थनीति को किभ भाव प्रभावित करिछि से कथा को मध्य तुलना करा जाई पारे। विदेशी निवेश आम देश को आसिबारे कि प्रकार गुणात्मक परिवर्तन होती कि प्रकार स्थिरता आसी ताकू एक तुलना करा जाई पारे एवं वैदेशिक मुद्रा भंडार जो अच्छी भारत वर्षर से कि प्रकार उन्नति देखा देछि ताकू मध्य दियोटी दशंधि मध्य तुलना करा जाई पारे। मुझे कहिबी जे विदेशी निवेश मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उपा सरकार समय रे विदेशी निवेश विशेषकर एक्सटर्नल कमर्शियल बरोइंग उपरे निर्भर करतला जहाँ फल डॉलर रे कौनसी उत्थान पतन घटिले डॉलर रो मूल्य रे ता भारत अर्थनीति को अति गभीर भाव प्रभावित करतला किंतु मोदी समय रे से एक्सटर्नल कमर्शियल बरोइंग बाह्य वाणिज्यिक ऋण रु भारत को धीरे धीरे इन्सुलेटेड करागला जहा फल से समय रे आमर जो निर्भरशीलता थिला ता थिला 21.1%। वर्तमान ता 4.5%। एवं अत्यधिक एक्सटर्नल कमर्शियल बरोइंग उपरे आमे निर्भर करुतबारु आमर टंका बा आमर मुद्रा आमर करेंसी अनेक समय रे प्रतिकूल भाव प्रभावित होतला। जदि आपण देखिबे 2011-2013 भितरे आमर टंकार 36% अवमूल्यायन होइतला
जदि आम तुलना करवा टेपरिंग जो आमेरिकार रिजर्व बैंक बा फेडराल बैंक घोषणा कर प्रथम कर 2013 मसीह उपा सरकार थिला से समय टंकार मूल्य 14.9 अवमूल्यायन होला। द्वितीय टेपरिंग करी थिले 2021 मोदी नेतृत्व में सरकार गठित थिला सेतेबेले अवमूल्यायन होला 0.7%। अर्थात एक्सटर्नल शॉक रु भारतीय अर्थनीति को भारतीय मुद्रा को सुरक्षा देवारे मोदी अर्थनीति अधिक सक्षम होइछि एकथा परिसंख्यान रु प्रतिपादित हो जाउछि। द्वितीय कथा मुझे कहिबा पई चाहे जे जो ए दियोटी तक टेपरिंग समय रे जो प्रकार स्थिति होता भारतीय अर्थनीतिर 2013-14 एवं 2021-22 आपण से समय देखिबे करेन्ट अकाउंट बालांस -4.8 को आसीथिला मोदी समय रे सेटा -1.2 को आसीला मोदी समय रे नरसिंह राव समय रे -4.8 थिला मोदी समय रे -1.2 रहिला। रियल जीडीपी ग्रोथ 5.5 थिला 2013-14 रे 12-13 रे 2021 बेलू 9.1 हला। फॉरेन रिजर्व जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वैदेशिक मुद्रा भंडार ता जीडीपी रो 16% को खसी आसला मनमोहन सिंह का समय रे मोदी समय रे 20.1% को आसला। मुद्रास्फीति से समय 9.9 थिला मोदी समय 5.5 को खसला। यही गोटे कथा तुलनात्मक भाव देखा जे वैदेशिक झटका बा एक्सटर्नल शॉक रु भारत को सुरक्षा देवारे मोदी अर्थनीति अधिक सफल होती। मध्य दिग अच्छी से समय रे जो आमर वैदेशिक व्यवसाय से समय रे जो रप्तानी अपेक्षा आमदानी आम भारत बर्षे अधिक ताको आमे करेन्ट अकाउंट डेफिसीट कहउचंती। करेन्ट अकाउंट डेफिसीट 2.3% थिला अर्थात आमे जेतिकि रप्तानी करूथुलु ताठारु अधिक आमदानी करूथुलु एवं सही जो पार्थक्यटा जीडीपी रो 2.3% थिला ता मोदी समय 1.1 को कसीचि। कारण ए समय भितर मर्चेंडाइज द्रव्य एवं वस्तुर रप्तानी 41% वृद्धि पाई एवं सर्विस सेक्टर रप्तानी बा सेवा क्षेत्र रप्तानी 97% वृद्धि पाई। ठीक से जदि आम प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी कथा को दबा से समय 305.3 बिलियन यूएस डॉलर थिला 305.3 बिलियन डॉलर मोदी समय वृद्धि पाई पहुंची 596.5 अर्थात द्विगुणित हो जाएगी एफडीआई भारत वर्ष को आसवे। वैदेशिक मुद्रा भंडार से 303 बिलियन डॉलर थिला जहा कि भारत वर्ष जो आमदानी करे 7 मास 8 दिन रो आमदानी को संभाली आम पाखे वैदेशिक मुद्रा थिला किंतु वर्तमान ताहा द्विगुणी अधिक ही 617 बिलियन डॉलर रे पहुंची। आम 10 मास 6 दिन रो आमदानी पाई आम पाखे अर्थर अभाव ना। ए संक्रांत आपण मैंने जानती एथिपाई दायी होउची जो सफलता पाई दायी होउची प्रधानमंत्री दूरदृष्टि संपन्न अर्थनैतिक संरचना एवं कौन सी योजना को कार्यकारी करिवारे तांकर जो व्यक्तिगत आग्रह एवं तांकर सफलता। अन्य पक्षरे 10 वर्ष धरिकी उपा सरकार बड़ बड़ स्काम रे इन्वॉल्व हला
आपण मानक छोटिया उदाहरण देवी जहाँ कि श्वेतपत्र भारत वित्तमंत्री घोषणा कर आपण मैंने जानते 80:20 80:20 रोटे सुना नीति थी से सुना नीति अनुसार ये कार्यकारी होता अगस्त 2013 अनुसार जी 80 जी जी आमदानी कर सुना तार 20% से रप्तानी करने बाध्य एक केवल बैंक मानू एवं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एमएमटीसी बा स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अनुमति थिला सरकारी संस्था बा बैंक जेती के आमदानी करिवे तार 20% रप्तानी करिवे ए अनुसार अनुमति दिया जाउथला किंतु हठात 2014 मे मास रे सरकार उपा सरकार एकु साधारण लोकों पर खोला कर देले अर्थात साधारण लोक 80 आनी आमदानी करके 20 रप्तानी करें यार लाभ किए ना यार लाभ ना नीरव मोदी आउ मेहुल चोखी आज भारत बर्षर जो अभिवृद्धि संकट देखा देखाई से 10 वर्ष दायी थी आपण पॉलिसी पैरालिसिस एवं दायी थिला से तत्कालीन सरकार दुर्नीति एवं आईएमएफ कहूँ जे से समय सरकार विभिन्न विभाग मध्य कौन प्रकार जोगाजोग नाला कौन आभिमुख्य कौन योजना कौन लक्ष्य केउथि पई योजना ए संक्रांत भितर चिंतार विमर्श हो नाला परस्पर विरोधी नीति मान से करुते मूल कि आर्थिक दुर्नीति कर किसी लोक सहायता आर्थिक सहायता जोगे दिजा ए परिप्रेक्षी रे जदि आम वेलफेयर स्कीम्स कथा कहिबा जनमंगल राष्ट्र रे ताले आम देखिबा जे सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्र निमन्ते सबुबले कुआ जाउछि जे सोशल सेक्टर एवं रूरल इकोनोमी पई मोदी जो प्रकार रो अर्थ बजेट रे घोषणा करंती वर्ष शेष को ता खर्च हो पारे नाही बोली विभिन्न समय रे विरोधी राजनैतिक दल माने अभियोग से संक्रांत श्वेतपत्र जे जो सामाजिक एवं ग्रामीण अर्थनीतिर विकास निमन्ते उद्दिष्ट बजेट्र 6.4% उपा सरकार समय 6.4% अर्थात 94,060 कोटी 94,060 कोटी से समय खर्च हो पार नथिला किंतु मोदी समय रे ए 10 वर्ष भितर से जो ग्रामीण एवं सामाजिक विकास पर जो बजेट रे आर्थिक व्यवस्था करा जाइतला सेथरे खर्च न होई कि पड़ी रही परिमाण रो आकार होची 1% ठारु कम जेतो 6.4% खर्च करी पारु नथला उपा सरकार सेतबेले 1% कम खर्च करी पारि नांती मोदी सरकार तेणु खर्च करिवारे सामाजिक क्षेत्र पर ग्रामीण अर्थनीति पई मोदी सफलता अधिक तात्पर्यपूर्ण अधिक उल्लेखन एथिपई दायी होची टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग एंड टारगेटिंग आपण माने जानती अर्थनैतिक संस्कार रे जाम अर्थात जनधन आधार एवं मोबाइल एक विचक्षण काम करिछि ता फळरे ए प्रकार रो लोकों को पई खर्च करिवारे मोदी को सरकार सफल हिछ डीबीटी रे लोकों को बैंक खाता को सीधा सड़क जाम माध्यम रे 34 लाख कोटी पहुंचा दे पारिछि दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम बा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन रे 9.9 कोटी अर्थात पखापाखी 10 कोटी महिला को सशक्त करा जाइछि वन नेशन वन रेशन कार्ड रे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रो जो माने बाहर रही जो माने निजे राज्य में जाकि प्रवास तार सुविधा दि जाइए तात्पर्यपूर्ण होतीशारे जिते बड़े गाँ गाँ रु लोक बाहर जा दादन कटुचार बाहर को प्रवास करने जा
ए वन नेशन वन रेशन कार्ड तंकु अनेक सहायता देछि आयुष्मान घर एवं ता सहित एमानकर डाटा जो माने प्रवासी अछंती तांकर डाटा संग्रह पई ई श्रम पोर्टल मध्य कुल दिया जाइछि आयुष्मान भारत कथा जानिछंती ओडिसा रे लागू करा जाउ नै किंतु एतिरे 23 कोटी हिताधिकारी आज लाभवान होती डिजिटल हेल्थ आईडी तैयारी होची आभा माध्यम रे एवं टेलीमेडिसिन रे व्यवस्था होची ई संजीवनी माध्यम रे जेते बेले आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 69% रु 64% को पड़े आसीतला से समय रे किबळी भारत वर्ष रो जनसाधारण को चिकित्सा पई निज पॉकेट रु खर्च न करिवा को पड़िबो सेति पई एक ऐतिहासिक योजना आयुष्मान योजना सारा विश्व रे सबुठारु बड़ स्वास्थ्य इंश्योरेंस रो योजना होची ए योजना ओडिसा रे योजना कार्यकारी न करिवा दुर्भाग्यजनक एवं ए संक्रांत रे मध्य आपण मानक माध्यम रे आमे सरकारंकर एवं जनसाधारणंकर दृष्टि आकर्षण करूछ केवल सेतिक नुह स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया मुद्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप रो जो तंकर दक्षता वृद्धि पीएम जो अपन को स्ट्रीट वेंडर ऋण व्यवस्था पीएम किसान सम्मान निधि ए सब दृष्टिकोण रु भारत वर्ष को एक आर्थिक दृष्टिकोण रु सबुठारु पछरे थिबा लोकंकर जिभली विकास हो पार से मोदी सरकार अहर उद्यम एवं सफलता मध्य पाई अर्थनैतिक परिचालना सुपरिचालना पाई मोदी ए दस वर्ष एक सुवर्ण अध्याय अध्याय रूप परिगणित हो कहीं आप देखिए यही समय रे पूंजी खर्च एवं रेवेन्यू खर्च राजस्व व्यय ताकू कहा जाए जने सरकार गोटे सरकार जेतेबेले निज कर्मचारी दरमा पेंशन करिथिबा ऋणर सुध एवं ता निज संपत्तिर रक्षणाबेक्षण पई जो खर्च करे ताकू साधारणतः राजस्व व्यय कहा जाए पूंजी व्यय होची जो थे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी हेबो आसंता पीढ़ी पई रोजगार तैयारी हेबो भित्तिभूमि तैयारी हेबो नूतन निवेश पई एक परिवेश सृष्टि हेब तेणु जेतेबेले सरकारी अर्थर अधिक भाग पूंजी खर्च होता है सेतेबेले जानिबा को हेब से सरकार खर्च गुणात्मक भाव उत्तम अटे आपण माने देखिबे जे जो पूंजी खर्च यदि समुदाय खर्चर शतकड़ा हिसाब से आम देखा वाजपेयी सरकार गला बेलू पूंजी खर्च थिला समुदाय खर्चर 31% ता खसी आसला 16% को जतेबेले आपणकर उपा सरकार हला तेणु कौटी ना कौटी आम टिकस पैसा जहाँ कि सरकारी व्यय करितांती तार गुणात्मक मान रहिला नै एवं आपण देखिबे जे मोदी सरकार समय रे राजस्व व्यय अर्थात दरमा पेंशन शुद्ध एवं रक्षणाबेक्षण एगुड़िक जेतेबेले 14.2% हार रे उपा सरकार समय रे वृद्धि पाउतला मोदी समय रे ता 9.9% रे वृद्धि पाइला अर्थात जो वृद्धि हार रेवेन्यू खर्च राजस्व व्यय ता ऊपर अंकुश लगा जाई परला अन्य पक्ष रे पूंजी खर्च जाकी गुणात्मक व्ययर परिचय देता है ता 5.6% आकार रे वृद्धि पाउतला उपा सरकार 10 वर्ष समय रे ताहा मोदी समय रे 17.6% हाथ रे वृद्धि पाइला ठीक से परी आम जानी भारत एक संघीय व्यवस्था रो शासन व्यवस्था एटी राज्य माने सबुबले केन्द्रीय अवहेलार कथा कही अनेक तुम्बी तोफान करिथांती किंतु आपण माने भी जानी जे ए जो केन्द्रीय अवहेलार मुख्य कर्णधार बा मुख्य भाष्यकार थिबा ओडिसा सरकार मध्य तांको मुहरे आउ भाषा नहीं केन्द्रीय अवहेला कथा कहिबा पई कारण जेतेबेले उपा सरकार थिला
से 10 वर्षे 21.1 लाख कोटी टंका 21.1 लाख कोटी टंका ट्याक्स टिकस रु राज्य सरकार राज्य मानू भाग कर दबा एवं ग्रांट्स एगुड़ा को मिसाई देले 21.1 लाख कोटी टंका दिया जाइतला मोदी समय वृद्धि पाई 84.3 लाख कोटी टंका अर्थात पाखापाखि 4 गुण अर्थ अधिक दिगला राज्य मानू केवल से नुह जदि ओडिशा कथा कह टिकस अंश एवं ग्रांट्स एवं अन्यान्य कार्यक्रम को मिसाई देले जेतेबेले केन्द्र सरकार उप सरकार समय 3 लाख कोटी टंका ओडिशा पाउतला 3 लाख कोटी टंका मोदी समय 19 लाख कोटी टंकार पहुंची 6 रु 7 गुण वृद्धि पाई अर्थ ओडिशा पाई तेणु जो फेडरल सिस्टम बा संघीय व्यवस्था अच्छी भारत बर्षे अधिक दृढ़भूत हो राज्य मान विकास संभव न भारत विकास संभव नुह एवं 14th और 15th फाइनेंस कमिशन रेकमेंडेशन अनुसार निज टिकस केन्द्रीय टिकस 41-42% राज्य मान दे दि जा कांग्रेस सरकार समय 30-32% एवं सही चतुर्दश और पंचदश अर्थ कमिशन अनुमोदन क्रमे परामर्श क्रमे सुपारिश क्रमे पंचायत राजगुड़ी को सशक्त करने सीधा सड़क आर्थिक व्यवस्था करा किंतु दुर्भाग्यर कथा आज ओडिशार पंचायत राज व्यवस्था को अति जघन्य भाव हत्या कर सरपंच मैंने अदालतर आश्रय ना बाध्य त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था आज राज्य में एक प्रहसंग परिणत हो तेणु जो प्रकार आर्थिक विकेन्द्रीकरण अर्थ कमिशन तैयारी अर्थात साधारण लोकं सब तल स्तर जनप्रतिनिधि मैंने अधिक नीति प्रणयन करें योजना प्रणयन करें जो व्यवस्था अच्छी ताकू धीरे धीरे ओडिशा सरकार संकुचित कर सत्वे ओडिशा समेत भारत बर्षर प्रत्येक राज्य को केंद्रीय अनुदान वृद्धि पाइबारे लगी ए जो जनमंगल कार्यक्रम एमें कही रखा चाहूं ग्रामीण बासगृह उप सरकार समय 21 नियुत था मोदी समय 26 नियुत या शौचालय से समय 18 नियुत या 115 नियुत या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बा ग्राम्य विद्युतकरण 21.5 नियुत था 28.6 नियुत पहुंचला जनऔषधि मध्यम जनसाधारण को शस्तर औषध देवाई मात्र 164 जनऔषधि केन्द्र था बर्तमान 10,000 परिणत पहुंचला मैटरनिटी बेनिफिट बा शिशु एवं मातृ मान मंगल पाई से समय 9.9 नियुत हिताधिकारी उपकृत होते बर्तमान ता 35.9 नियुत पहुंची से आज भारत बर्षर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रु 25 कोटी जनता यही 10 वर्षे दारिद्र्य कवल मुक्त होती व्यतीत बैंकिंग व्यवस्था कि सुधार आसी सप्लाई साइड किप जो बाधा विघ्न थी दूर कर रिफर्म अर्थनैतिक संस्कार को किभली त्वरान्वित कर तार हिसाब बहुत लंबा अच्छी 69 पृष्ठार विराट श्वेतपत्र तेणु सविशेष मुझे आपको नोट देदेबु आपले पाइबे मानने परिसंघरे मु गोटे कथा कहवाई चाहे जे परिसंख्यान एवं गोटे आश्वस्त नागरिक जीवन ए सब आज मोदी सपक्ष निर्वाचन आसुची
अर्थनैतिक कुपरिचालना दुर्नीति परिवारवाद रो कला छाई याकु नहीं कांग्रेस आज निर्वाचन को आसुची जनसाधारण विचार करिवे ए दस वर्ष अर्थनैतिक सुपरिचालना को आउ पांच वर्ष पई सुजोग दिया जीव कि नहीं एति कई आम वक्तव्य को शेष करूछु।